गवर्नमेंट की तरफ से ईवीज के ऊपर लगता है कम टैक्स। लेटेस्ट एंट्री इसी सेगमेंट में हुई है ऑफ दी नेक्सॉन ईवी मैक्स। गाड़ी तो ये चलाने में और इलेक्ट्रिक वाइज बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम जस्ट 17.7 लाख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर ड्राइविंग दी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक ही गाड़ी का प्रॉपर डिटेल ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं इन डिटेल, और साथ में हम डिस्कस करने वाले इसकी एक्चुअल रेंज के बारे में, फ्यूल की कॉस्ट की सेविंग आपकी कितनी होती है, उसके साथ साथ बेसिक ड्राइविंग तो हम करेंगे ही, जिसमें हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, हम इसकी पावर के बारे में बात करेंगे, ब्रेकिंग के बारे में, सस्पेंशन, कंफर्ट, फीचर्स, क्या क्या नए चेंजेस हैं, सब कुछ इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और एक इसमें सिंगल पैडेड ड्राइविंग आती है, क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स आते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सा वाला मॉडल लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। ये आपके घर पे इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट चार्जर लगेगा, 3.3 और 7 ओनली आपके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप 50,000 एक्स्ट्रा देके करवा सकते हैं। तो दिस इज़ द चार्जर, एंड आप इस तरीके से यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चार्जिंग स्पीड्स की यहाँ पर बात करें, तो इस चार्जर के साथ अगर आप 7.2 वाला यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इसको 5 to 6 hours में 0 to 100 चार्ज कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि आप 0 to 100 चार्ज कर रहे हो इसको। जितनी ज़रूरत है, कभी 20 से आप 60 जाओगे, कभी 20 से 50% करोगे, तो आई थिंक एक परफेक्टली बढ़िया टाइम है। जिन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना, वो 3.3 किलोवाट वाला भी ले सकते हैं, उसमें आपको थोड़े घंटे ज़रूर ज़्यादा लगते हैं, बट फिर वो भी एक वैलिड ऑप्शन है, बिकॉज कभी भी 0 to 100 चार्ज नहीं करना होता। और ये वाले आपको टाटा पावर के ईजी चार्जर यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि 50 किलोवाट के CCS2 वाले हैं। इसमें आपको दो पोर्ट्स वाला नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गन होती है, यहाँ पर आपको दो पोर्ट्स नज़र आएंगे, ये जो आपको नॉर्मल एसी चार्जर वाला होता है, ये आपका डीसी चार्जर वाला। ये आपकी गाड़ी को अगर हम बात करें, फुल चार्ज 0 to 80% जो है वो 56 मिनट्स में कर देता है, तो ये अच्छा ज़रूर है, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी आदत मत बनाएं, इससे बैटरी की लाइफ पर थोड़ा सा फ़र्क जो पड़ता है। अब बारी आती है इसके ड्राइव रिव्यू की, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पावर सबसे पहले इंक्रीज़ कर दी गई है, पहले आपको 120 के आसपास मिलती थी, अब 143 PS मिल जाती है, जो कि एक बेहतरीन पावर है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, 215 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंट टॉर्क, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से जो टॉर्क इंस्टेंटली मिलता है, एक्सेलरेशन है वो ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर साबित होता है फॉर दी ईवी, नॉट जस्ट द टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, वैसी ओवरऑल इलेक्ट्रिक के ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर बेनिफिट है। एंड अगर जैसे हम इसके एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट टॉर्क का सबसे अच्छा फायदा ये है कि कोई भी इस सेगमेंट में अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, कोई 20 लाख से नीचे इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं दे सकती। अब इसका एक्चुअल सबूत 0 to 100 टेस्ट हमने प्रॉपर डिटेल्ड इसका किया है, जिसमें हमने इसमें अलग अलग ड्राइव मोड्स में इसको ट्राई करके देखा है कि बेस्ट रिजल्ट कैसा आता है, कितने में कितने सेकंड्स होते हैं। कंपनी कहती है अंडर 9 seconds, तो क्या वो सच है कि नहीं, वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। 0 to 100 हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मेजर पॉइंट, रेंज। इलेक्ट्रिक है तो रेंज के बारे में बात कैसे ना हो। अब क्योंकि बैटरी को बढ़ा दिया गया है, 30 to 40 किलोवाट आर कर दी गई है, तो रेंज भी डेफिनेटली फ़र्क आएगा। तो 430 किलोमीटर्स की ARAI सर्टिफाइड रेंज है, लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें तो 330 के आसपास आती है। अब रेंज क्योंकि अभी पहला पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी हम गाड़ी चलाएंगे, यहाँ पर एक एवरेज लिखी आती है कि कितने वॉट पर किलोमीटर आप यूज़ कर रहे हो इस व्हीकल को। इसके ड्राइव मोड्स को शिफ्ट करने में टाइम लग जाता है, आदत नहीं है ना। तो यहाँ पर सामने आपको MID पे आता है कि आप कितने वॉट पावर यूज़ कर रहे हो पर किलोमीटर। तो जब मैं इसको थोड़ा चला लूँगा, मैं तब आपके साथ रेंज जो है वो अपनी एग्जैक्ट शेयर कर दूँगा कि मुझे भाई कितनी रेंज आ रही है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट रेंज टेस्ट करने के लिए टाटा मोटर्स से रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ी थोड़े दिनों के लिए प्रोवाइड की जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फ्यूल कॉस्ट सेविंग वाला एस्पेक्ट। अब यहाँ पर हम कवर करना चाहते हैं कि कितना आपका जो पैसा है वो बचता है कीवी लेने पर। तो अगर मैं सही से बताऊँ, अगर आपकी रनिंग 50 किलोमीटर एक दिन की है, इट मीन्स 1500 किलोमीटर एक महीने का और 18,000 किलोमीटर इन अ ईयर। एक साल में अगर आप इसको 18,000 किलोमीटर चला रहे हैं, तब आप अराउंड
1,00,000 रुपये बचा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे करीब 55,000 रुपीज़ आप अपने सेव करते हैं। अगर आपकी रनिंग डिफरेंट है, 50 किलोमीटर नहीं है कम है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं nexonev.tatamotors.com पे। वहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा कि कितनी मंथली आपकी रनिंग है और कितने आप पेट्रोल का प्राइस है अभी 105 के हिसाब से चलो तो आप कितना पैसा सेव करते हो। और सिर्फ पैसा सेव ही नहीं, एडवांटेज आपको ट्रीज़ का भी यहाँ पर मिल जाता है। एक साल में 30 फुल ग्रोन ट्रीज जितना CO2 जो गाड़ी है CO2 कंज्यूम करेगी वो एब्जॉर्ब करेंगे ट्रीज़, तो उसका जो काम करना है वो ये ईवी करेगी। 30 फुली ग्रोन ट्रीज़ एक साल में अगर आप 50 किलोमीटर चलाते हो तो ये बहुत अच्छा नंबर है। एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपकी रनिंग थोड़ी डिफरेंट है 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर उस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको nexonev.tatamotors.com पे सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। अब एक और मेजर पॉइंट, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसिंग। यहाँ पर आपको 3 ईयर्स प्लस 1,25,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है विच एवर इज अर्लियर ऑफकोर्स व्हीकल के ऊपर। और अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स तक की यहाँ पर वारंटी मिल जाती है विद द बैटरी एंड द मोटर, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑफकोर्स बैटरी और मोटर जो आपकी IP67 रेटेड है यानी कि वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट आपको मिल जाती है, तो वेदर प्रूफ है पूरी, डोंट यू वरी, जहाँ मर्जी ले जाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी आफ्टर सेल सर्विस की, तो टाटा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस इतनी वेरिएशन में है ना, कहीं पे बहुत ही अच्छी, कहीं पे मीडियम और कहीं पे ख़राब। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, तो उसके बारे में अब आप बेटर जानते हैं कि आपके शहर में आपका जो डीलर है वो किस तरीके का। इसमें टाटा कंपनी का कोई दोष नहीं, टाटा डीलरशिप्स मुझे लगता है कि और इम्प्रूव होने चाहिए। अब जो नई नेक्सॉन ईवी मैक्स आती है उसमें एक नया फीचर है रीजनरेटिव मोड के अलग अलग लेवल्स 0, 1, 2, 3, 4। जीरो पे किस तरह की कोई रीजनरेशन आपको फील नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मोड को इंक्रीज़ करेंगे, जब आप एक्सेलरेटर से पैर थोड़ा सा हटाएंगे तो आपको थोड़ी सी ब्रेक लगती नज़र आएगी। लेवल वन में आपको थोड़ी सी ब्रेक महसूस होगी जब आप एक्सेलरेटर पैडल से पैर हटाएंगे, लेवल टू में थोड़ी ज़्यादा, लेवल थ्री में उससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि पिछली ब्रेक ही पूरी लग जाती है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। उस एनर्जी को कंपनी यूज़ करती है, एक गाड़ी यूज़ करती है बैटरीज को दोबारा चार्ज करने के, जिससे जो रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे लेवल वन था, अब ये लेवल टू है, दिस इज़ लेवल थ्री। लेवल थ्री में एक्सेलरेटर पैडल से पैर हटाऊंगा तो पिछली ब्रेक लाइट भी ऑन होती है, थोड़ी सी ब्रेक लगती है। हालांकि ये उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू MG की जो आपको सारी EVs मिलती हैं, सारी क्या देखी है अब तो पहले वाली मॉडल और दूसरा वाला मॉडल, उसमें रीजनरेटिव आपको थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी, इसमें कंपैरेटिवली कम है। अभी लेवल थ्री है लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक मेरे को नहीं लग रही, पता लग रहा है कि रीजनरेशन काम कर रही है बिकॉज वहाँ पर लेवल पे भी ग्रीन आ जाता है जब बैटरी चार्ज होती है और ब्लूइश टोन होता है, ग्रीन तो ड्राइव वाला है, ब्लूइश टोन आपकी रीजन की आ जाती है, तो बहुत थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे जब इसके बारे में पता लगा था लेवल्स के बारे में तो लगा था कि ज़्यादा फील होता होगा, अभी मैंने जीरो कर दिया तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। दिस इज़ वन थोड़ी सी ब्रेक, दिस इज़ टू थोड़ी सी ब्रेक, थ्री थोड़ी और ज़्यादा ब्रेक, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है। ZS में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वो फील होती है और वो ज़्यादा चार्ज भी करती है, ये थोड़ा ही अभी चार्ज कर रही है। हाँ, अगर मैं मैनुअली ब्रेक लगा रहा हूँ खुद, तब जो ब्रेक लग रही उसकी रीजनरेशन तो जा ही रही है, तब तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी ब्रेकिंग वाला इफेक्ट वो पता लगेगा, और ब्रेक लगा रहा हूँ तो रीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली जो सारी एनर्जी है, कनेटिक एनर्जी, वो आपकी बैटरी को चार्ज करती है और आपकी रेंज और ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अभी मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस रीजन चलो वन रख लेते हैं, लेवल वन रखते हैं। ओके, अब इसमें एक सिंगल पैडल मोड जो आता है वो अगर आप लेवल थ्री रखते हैं और सिर्फ एक्सेलरेटर पर ही पैर रखेंगे तो सिर्फ उस पर ही चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी ब्रेक आपकी हमेशा रहेगी, और जब थोड़ी सी ब्रेक करेंगे तो गाड़ी ज़्यादा ब्रेक लगा लेती है और वो भी आपको हेल्प करती है आपकी ड्राइविंग सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ये वाला रीजन लेवल थ्री आपके डेफिनेटली काम आएगा ताकि ब्रेक ऑटोमेटिकली लगती रहे और दोबारा जो बैटरी है वो चार्ज होती रहे, जिससे रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो कर्स मोड यानी कि कैनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम का मोड लेवल हाइएस्ट पर ही रखें, आपका बहुत फ़ायदा होगा वहाँ पर। अब EVs के साथ सबसे अच्छी चीज़ ओवरटेकिंग, अभी हमने ओवरटेक किया व्हीकल को, जो इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है ना, पावर मिल जाती है पूरी, वो मज़ा आ जाता है। ये चीज़ आपको किसी भी और व्हीकल में इस रेंज में नहीं मिलने वाली है, पेट्रोल वाले में मतलब। एंड EVs का तो अलग ही मज़ा है, लाइक एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेट हो, मेरा बजट आए, तो मैं तो डेफिनेटली एक EV परचेज करना चाहूँगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये सही टाइम है एक EV लेने का, भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो भी गया है, स्पेशली टाटा मोटर्स का। आप देख सकते हैं इतनी जल्दी 110 पे चलेगी, मुझे पता भी नहीं चला, लेट मी स्लो डाउन अ लिटल, इतनी तेज़ भी नहीं चलानी। हाँ, 110 से याद है जो टॉप स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर की लिमिट कर दी गई है मैनुअली,
इलेक्ट्रिकली, मतलब कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। चलो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि NVH लेवल्स के बारे में, नॉइस वाइब्रेशंस हार्शनेस। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऑफकोर्स इंजन की कोई नॉइस वाइब्रेशन या हार्शनेस नहीं आपको फील होगी और बहुत ही स्वीट साउंड मिलती है आपको मोटर की, जो बहुत ही पावरफुल भी लगती है और डेफिनेटली हर किसी को पसंद भी आती है, स्पेशली जब आप ओवरटेक करते हैं क्योंकि बहुत इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन नॉइस हम फिर भी बात करना चाहेंगे रोड नॉइस के बारे में, वो अंदर डेफिनेटली आपको थोड़ी सी आएगी और कभी कभी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी लगे अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी भी चलाते हैं, बिकॉज आपके कानों को ना आदत हो जाती है इंजन की आवाज़ सुनने की, अब वो तो सुन नहीं रही तो जो रोड नॉइस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंची सुनती है, वो ज़्यादा नोटिसेबल लगती है, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। हालांकि NVH लेवल्स की के बारे में सिर्फ बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये कई लोगों को बॉदर भी करती है आवाज़, तो इलेक्ट्रिक में आवाज़ है ही नहीं तो बॉदरेशन का कोई पॉइंट ही नहीं, तो डेफिनेटली पसंद आएगा आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर पॉइंट, सेफ्टी। सेफ्टी वाइज वी ऑल नो टाटा नेक्सॉन एक बहुत ही सेफ, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड कार है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेफ्टी। सेफ्टी वाइज हम सब जानते हैं कि टाटा की सारी गाड़ियां बहुत सेफ है, नेक्सॉन तो 5-स्टार रेटेड है ही, और इसमें नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अब आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं विच इज़ अ रियली गुड थिंग। सेकेंडली आपको यहाँ पर ABS, EBD और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, और इनफैक्ट आपको एक इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस ब्रेक असिस्ट एक्टिव कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आपकी जो ABS जब किक इन करता है, यानी कि जब एक्टिव होता है उस टाइम पे एकदम से सारा कुछ वाइब्रेट करने लग जाता है पेडल्स वगैरह भी, तो वो चीज़ नहीं होती और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी में बेटर काम करता है जब आपको एमरजेंसी में ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं तब, तो वो एक बहुत बढ़िया फीचर है। टाटा मोटर्स हर बार की हर गाड़ी में चाहे उसके वेरियंट्स ही लॉन्च करती है एक छोटा सा नया फीचर कोई ना कोई ज़रूर ऐड कर देती है सेफ्टी को लेकर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी हियर मोर। अब एक छोटा सा एक पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगता है कि टाटा मोटर्स को उसके ऊपर काम करना चाहिए था, इतनी बड़ी ईवी मैक्स गाड़ी दे दी, प्राइस भी ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा ही है, एयर बैग्स एटलीस्ट 4 देने ज़रूरी थे, अभी सिर्फ आपको ड्यूल एयर बैग ऑप्शन मिलते हैं, 4 होते तो ठीक लगता, 6 होते तो मज़ा ही आ जाता, 6 एयर बैग्स की सेफ्टी होती तो अमेजिंग हो जाता, बट ठीक है अब ये एक कमी है जिससे हमें जीना पड़ेगा। अब 20 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो और अगर उसमें 6 एयर बैग्स नहीं है तो थोड़ा सा दुख तो लगता ही है। अब हालांकि सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है, बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर, इवन अंदर में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है कैबिन में वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। नाउ अगर अब हम हाईवे पे चला ही रहे हैं तो थोड़ी सी हैंडलिंग के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अब कंपनी ने क्या किया, गाड़ी में जो बैटरी है उसकी साइज़ को बढ़ा दिया, ग्राउंड क्लियरेंस उसकी वजह से थोड़ी सी कम हो गई, 5 mm का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 209 से 205 या 204 हुई है, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज EVs में बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है कि एरोडायनेमिकली यानी कि हवा जब पास ऑन करती है तो ये बेटर जो गाड़ी है वो बेटर परफॉर्म कर पाती है एक्सप्रेशंस पर भी। अब एरोडायनेमिकली आपको यहाँ पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हुई है लेकिन एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज आपको अच्छी खासी एक पिकअप जो है वो बढ़िया मिल जाती है, हवा के साथ बहुत प्यारा रिलेशन बन जाता है गाड़ी का। जब मैं हाई स्पीड्स पे कर्व पे होता हूँ तो मेरे को सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिलता है कि ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होता बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका काफ़ी सेंटर में आ जाता है और थोड़ा सा बॉडी वेट भी नीचे की तरफ को रहता है गाड़ी का, तो उसकी वजह से डेफिनेटली मुझे एक हेल्प रहती है कि पीछे बॉडी रोल कम हो जाता है, हाइट चाहे जितनी मर्जी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम भी है उस वजह से जो गाड़ी है वो काफ़ी चिपक के चलती है रोड के ऊपर, और ईवी का ये एक और एडवांटेज है, एडेड बेनिफिट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, तो उसके बारे में बताना भी ज़रूरी था आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन एयर। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको किस तरह के कोई गियर्स नहीं मिलते हैं तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें आप, और आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलता है वो मिलता है फॉर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे एक्सपीरियंस जिसमें गियर शिफ्ट आपको फील ही नहीं होते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है विद ईवी कि आपको एक ऑटोमेटिक परमानेंट जो है वो एक ही स्पीड रहती है, एक ही गियर रहता है, तो उसकी वजह से किस तरह कोई झटके नहीं और ड्राइविंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, चाहे शहर हो चाहे जिनको ड्राइविंग थोड़ी कम आती है या जिनके लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम रहती है क्लच का इशू रहता है, तो उनके लिए ये डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है कि मैनुअल व्हीकल इलेक्ट्रिक में आता ही नहीं है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। ट्रांसमिशन की यहाँ पर बात हो ही रही है तो एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि जो आपको सेंटर में आप गियर नॉब दिया गया है आपको ज्वेल्ड वाला,
तो वो बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है, एक डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, जहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड दिए गए हैं। ये हर किसी चीज़ को पसंद आएगा, हर पर्सन को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आया है। सिंपल सा एक फीचर बट अच्छा ज़रूर लगता है। लेकिन अब इसके दो चीज़ें नुकसान मैं आपको बताता हूँ। दो नुकसान ये हैं कि एक तो ये नॉब थोड़ा सा हार्ड है, इतना स्मूद नहीं है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। दूसरा आपको नुकसान ही आ जाता है, जैसे अगर हमारे पास एक मैनुअल लिवर होता है, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में आता है, हम लिवर से ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग मोड में करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फटाफट कर सकते हैं, फटाफट वो स्विच हो जाता है टू ड्राइव मोड, फटाफट पार्किंग में हो गया, हमें पता है कि इतना ऊपर चला जाएगा तो ये मोड है, इतना नीचे आ जाएगा तो ये मोड है। अब क्योंकि नेक्सॉन ईवी के यहाँ पर रोटरेटरी एक डायल है जिसकी वजह से आप चेंज करते हो, एक नॉब है, तो उसकी कोई पोजीशन पता नहीं लगती है, वो आपको नीचे देखना ही पड़ता है कि कौन सा मोड है, या आपको सामने डिस्प्ले पे आता है लेकिन नीचे ही ज़्यादा ध्यान जाता है क्योंकि वहाँ ही चेंज कर रहे हो। तो वो एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि ड्रॉबैक कह लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं लगता, अगर आपने देखा नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, अगर आपका नॉर्मल गियर लीवर है तो आपको बिना देखे हाथ रखे पता लग जाता है कि कौन से मोड पे है, मतलब ये पार्किंग है, दिस इज ड्राइव, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज रिवर्स। यहाँ पर आपको एक बार देखना ही पड़ेगा कि अभी कौन सा मोड एक्टिव है, जब भी आपको वो मोड चेंज करना है तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें, बट दिखने में ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। अब जब रीजन लेवल 3 मैंने यहाँ पर अभी किया हुआ है, उसका बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है कि जैसे ही मैं ब्रेक पे थोड़ा सा पैर हटाता हूँ तो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है, और पीछे ब्रेक लाइट भी ऑन होती है ताकि पीछे किसी पैसेंजर को, सॉरी पीछे किसी ड्राइवर को जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसको दिक्कत ना है, उसको पता लग जाए कि गाड़ी की थोड़ी थोड़ी ब्रेक लग रही है। तो ये भी एक सेफ्टी के लिए एडेड एडवांटेज मुझे यहाँ पर पूरा पूरा मिलता है। गाइस अब हम इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करने वाले हैं, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी एक्सप्रेशन यहां पर मिल जाती है, पता भी नहीं लगता कब आप 120 टच कर जाते हैं। अब मैं ऑब्वियसली ज्यादा भी नहीं कर सकता, 100 इस हाईवे की स्पीड लिमिट है, तो लेट्स नॉट डू मोर देन दैट। लेकिन पिकअप में बहुत ज्यादा फर्क आपको स्पोर्ट्स मोड में देखने को मिलेगा, तो वो एक बहुत एडेड बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है विद एन ईवी। सिर्फ आपकी कॉस्ट सेविंग नहीं होती, आपको इस तरह की एक्सप्रेशन भी मिल जाती है जब ज़रूरत हो। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेशन के साथ चलाओगे तब आपको बहुत अच्छी रेंज नहीं मिलेगी, उस चीज़ का ध्यान भी रख लेना। बात करते हैं गाड़ी में आपको फीचर्स कौन से मिल जाते हैं, तो जो नए फीचर्स की बात करूँ तो क्रूज़ कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, तो वो एक डेफिनेटली काम का यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। स्पेस के मामले में कभी भी टाटा मोटर्स में किसी गाड़ी में आपको कमी महसूस नहीं होगी, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर से बॉटल होल्डर, फाइल्स वगैरह सब रख पाएंगे। ऑफ कोर्स सेंटर में भी आपके पास पूरी जगह है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के अगर फ्रंट सीट पे बैठेंगे तो सबसे पहले चेंज जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी वेंटिलेटरी सीट, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन की ऑप्शन अब मिलनी शुरू हो गई है। इंटीरियर में आपको बहुत ही प्यारा अब लेदर का बेज कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, काफ़ी लाइट है, और ये स्पेसिफिकली नेक्सॉन ईवी मैक्स के लिए ही रखा गया, और मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है। काफ़ी खुली डुली लगने लग गई है गाड़ी, है नहीं उतनी बट लग गई है, टाइट डेफिनेटली अभी भी नेक्सॉन अंदर से थोड़ी थोड़ी है, उतनी ज़्यादा यू नो स्पेशियस आपको नहीं लगेगी, सीट्स का साइज़ भी थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आएगा यहाँ पर। और चलो सीट्स की बात हम पीछे बैठ के भी करेंगे, बट अगर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मेरे को ऑफर किया जाता है, सेमी आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, एनालॉग ही आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 7 इंच की हार्मन की टच स्क्रीन मिल जाती है विद 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स। यहाँ पर भी मुझे लगता था कि एक कमी है कि टच स्क्रीन एटलीस्ट 9 इंच की तो कर देते तो काफ़ी अच्छा लगता। प्लस आपको यहाँ पर ड्यूल एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि मुझे कमी लगती है कि ज़्यादा एयरबैग्स होने चाहिए थे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, इतने ज़्यादा पैसे आप लगा रहे हो तो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये नेक्सॉन ईवी की डैशबोर्ड डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा लगता है, ये जो ब्लू जो एक्वा टील जो कलर दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छा लगता है, इससे नेक्सॉन ईवी की अलग से पहचान बनती है, नेक्सॉन की बीच में बैजिंग मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाले जो हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स एसी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल भी अब इसमें ऐड कर दिया गया, तो वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एक और एडिशनल फीचर ऐड किया गया वो है एयर प्योरीफायर, तो वो अब आपको मिलना शुरू हो जाता है इन द नेक्सॉन ईवी मैक्स। उसके अलावा ये जो सीट है 6-way पावर एडजस्टेबल नहीं बल्कि मैनुअली एडजस्टेबल है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट का जो ओपनिंग है वो जैसे फ्यूल में मिलता है वैसा मिल जाएगा, अगर आप इसका हुड खोलना चाहते हो तो यहाँ से बटन मिल जाएगा। दिस इज द फ्यूज बॉक्स, ऑफ कोर्स ये इसका आपको फ्यूज बॉक्स की ऑप्शन मिल जाती है नीचे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है थोड़ी सी। IRVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑटो IRVM मिलेगा, इस तरफ मिरर नहीं है, इस तरफ आपको मिरर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ अभी भी आपको ऑफर की जाती है इन द ईवी मैक्स, जिसको आपके कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे।
स्पीकर सिस्टम डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, हारमन का 4 स्पीकर्स 4 ट्वीटर्स वाला, वो हर किसी को पसंद आता है। नेक्सॉन की जो बैजिंग आपको अलग अलग जगह थोड़ी सी टेक्सचर्ड मिलेगी नेक्सॉन की डिज़ाइन की, जो ट्राई एरो वाला है इनका, वो बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लगता है फॉर श्योर। बात करें इसके रियर सीट्स की, तो फ्रेम आपको ठीक ठाक मिल जाता है, यहाँ से थोड़ा सा टाइट लगेगा तो बैठने उठने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती, बट थोड़ा वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉटल और थोड़ा बहुत और सामान आप यहाँ पर रख पाएंगे। अगर लेग रूम की बात करूँ तो वो तो आपको अच्छा मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको ठीक मिलेगा, बट ओवरऑल कैबिन जो है वो थोड़ा सा छोटा लगता है, थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक लगेगा, बहुत ज़्यादा वाइड और खुलेदार टाइप सा नहीं है, बट ठीक है चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। रियर एसी वेंट्स अब आपको ऑफर किए जाते हैं, उसके साथ साथ सनरूफ तो आपको आगे के लिए मिलती है, यहाँ से कुछ खास व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोर हैंडल जिस तरफ मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ की जो कमी मुझे महसूस होती है कि पीछे आपको किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं मिलती है, तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है फॉर श्योर। अगर यहाँ पर 3 लोगों को बैठने की बात करूँ तो 2.5 लोग बैठ पाएंगे, 2 बड़े 1 बच्चा, लेकिन 3 थोड़े से कंजस्टेड होंगे, एडजस्ट करने को कर जाएंगे। एक और चीज़ की कमी लगती है, यहाँ पर सीट पॉकेट्स आपको ऑफर नहीं की जाती हैं किसी भी व्हीकल में, ना ही इस तरफ ना ही इसी तरफ, नेक्सॉन में मतलब किसी वेरियंट्स में, तो वो थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती तो अच्छा लगता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज पीछे आपके पास स्टोरेज सिर्फ इस साइड पे है, ना ही आर्मरेस्ट के नीचे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, ना ही वहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट दिया गया, ना ही यहाँ पर कोई स्टोरेज है, तो पीछे स्टोरेज की कमी आपको थोड़ी सी महसूस होगी। हालांकि फ्रंट में स्टोरेज स्पेस आपको पूरी मिल जाती है, चाहे सेंट्रल कंसोल हो चाहे इसका कूल्ड ग्लव बॉक्स हो, वो काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस है, और इवन डोर की साइड्स पे भी काफ़ी सामान रख सकते हो, बट पीछे थोड़ी सी स्पेस जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी आपको कम फील होगी। अब वैसे तो कंपनी ने 10 किलोवाट आज जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, लेकिन क्या उससे स्टोरेज स्पेस कम हुई है? ऐसा नहीं है, ना ही कैबिन में, ना ही आपको इंटीरियर में यानी कि बूट स्पेस में किस तरह की कोई स्टोरेज की कमी महसूस होगी। 350 लीटर्स की ही बूट स्पेस अभी भी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस भी है। और उसके साथ साथ चार्जिंग ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था, तो आपको यहाँ पर एक चार्जर ये वाला भी मिल जाता है, जिसको आप इमरजेंसीज पे किसी भी पोर्ट पे, जो किसी हाई पावर पोर्ट पे, हाई प्लग पे, पावर प्लग पे यूज़ कर सकते हो। 16 घंटे लेके 0-100 चार्ज करने में, लेकिन बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, 16 से भी कुछ ज़्यादा ही लेती है वैसे, बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि लास्ट केस सिनेरियोज में, वर्स्ट केस सिनेरियोज में ये आपके डेफिनेटली काम आता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इमरजेंसीज में ये वाला चार्जर आपको साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है। वायर भी अच्छी खासी लंबी है तो प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं आएगी। बूट में आपको यहाँ पर छोटे छोटे हुक्स 3 kg का लोड रखने के लिए और साथ में एक बूट लैंप भी ऑफर किया जाता है। प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस है तो वहाँ पर भी आपको किस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। अगर कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली नेक्सॉन ईवी की, tatamotors.com की जो साइट है उसे चेकआउट आप जरूर कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आया है, एक मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर आप कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिक लेना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब अच्छा खासा है, सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 2500 सिटीज़ हो चुकी है जहाँ पर अलग अलग चार्जिंग स्टेशन है। सर्विस स्टेशन के ऊपर जो 50 किलोवाट के चार्जर है, हालांकि उनकी ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, जो आपको एक तो ये जो साथ में चार्जर दिया होता है वो है, उसके साथ साथ एसी चार्जर आपके घर पर लगा वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप 3.3 वाला ले सकते हो, रात को कभी कभी उसको चार्ज पे लगा लिया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके 7 वाले चार्जर की, तो अगर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, आपको थोड़ी फास्ट चार्ज चाहिए, तो एक ही रात में फुल चार्ज करना है, तो डेफिनेटली उसे भी चेकआउट आप कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है 3.3 भी ठीक है, 50,000 बचते हैं तो बचा लो भाई मेरे। और यहाँ पर है नेक्सॉन ईवी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस उसकी मिल जाएंगे, 0-100 वाला भी। मुझे लगता है कि अगर आप ईवी लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, चेकआउट इसे ज़रूर करें, टेस्ट ड्राइव इसकी ज़रूर ले लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर एंड बाय बाय।